हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, यहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो है दो बड़े एग्ज़ाम्स के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। तो पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के अंतर्गत जो 9 सितंबर 2022 को आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु कंप्यूटर पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इतने जो कैंडिडेट हैं, 22 कैंडिडेट, इनको जो है टंकण के लिए सफल घोषित किया जाता है। और जो सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण की जो परीक्षा होगी वो दिनांक 12/12/2022 को निर्धारित की गई है। उसकी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी जाएगी। उसके अलावा अभ्यर्थी के मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद जो है अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है दिए जाएंगे। तो पहला अपडेट ये है जो रिजल्ट जारी हुआ है महाधिवक्ता कार्यालय में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर के टंकण के लिए। चलिए बात करते हैं अब दूसरे रिजल्ट के बारे में। सो गाइस, यहां पर जो दूसरा रिजल्ट जारी हुआ है आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की जो लिखित परीक्षा थी दिनांक 23 से लेकर 27 अप्रैल 2022 के बीच में हुई थी। उसमें आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु औपबंधिक सफल घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पद हैं सहायक अभियंता सिविल ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लोक निर्माण विभाग, तमाम ये जो पद थे उनके लिए जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा और भी जो यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं सहायक अभियंता और भी यहाँ पर जो पद हैं उनके लिए सफल अभ्यर्थियों के जो है इंटरव्यू के लिए यहाँ पर डेट्स जारी किए। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जो है चीज़ें दी हैं, यानी कि उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उसके रिकॉर्ड के आधार पर है। उसके अलावा मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार 6 माह जो है साक्षात्कार माह मार्च 2013 के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि जो इंटरव्यू होंगे आपके मार्च 2023 से स्टार्ट होंगे और उनका शेड्यूल जो है अभ्यर्थियों की जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और उसके अलावा जो भी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं आरक्षण वगैरह की आप देख सकते हैं यहाँ पर रिट यहाँ पर डाली गई थी उच्चतम न्यायालय में, उसको लेकर भी यहाँ पर उन्होंने जारी किया है। और उसके अलावा जो इंटरव्यू में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनके अलग से यहाँ पर जो है डिटेल जारी नहीं किया जाएगा, अपितु साक्षात्कार ज्ञाप वरिता के आधार पर जो भी लिस्ट आएगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मिल जाएगी। तो दोनों अपडेट रिजल्ट्स के मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।